नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप भी बिना किसी नुकसान के मोटा होना चाहते हैं, सेहत बनाना चाहते हैं, वज़न को बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो पूरा देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना है आपने और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो दोस्तों जो लोग शरीर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, दुबले पतले हैं और उनकी सेहत नहीं बन रही है, भूख नहीं लगती है और बहुत कुछ खाते हैं फिर भी उनके शरीर को नहीं लग रहा है, जैसे कि वो लोग काजू बादाम किशमिश दूध घी मांस मछली अंडा मुर्गा ये सब खाते हैं फिर भी उनकी सेहत नहीं बन रही है, तो ये जो दो दवाइयां बताने वाला हूँ इनको इस्तेमाल करके आप बिना किसी नुकसान के अपनी बॉडी बना सकते हैं, सेहत बना सकते हैं, वज़न को बढ़ा सकते हैं। और जिन लोगों के गाल पिचके हुए हैं, कमज़ोरी रहती है, थकान रहती है, काम में मन नहीं लगता है, जोड़ों में दर्द रहता है, सुस्ती रहती है, हर प्रकार की कमज़ोरी रहती है शरीर में, खाना शरीर को नहीं लगता है, चक्कर आते हैं, खून की कमी है, आँखों की समस्याएं हैं और स्किन के लिए भी ये बेस्ट दवाई है, बालों की समस्याएं हैं तो उन लोगों के लिए भी ये बेस्ट दवाई है जो ये बताने वाला हूँ। बिल्कुल सेफ़ दवाई है, इनका कोई भी नुकसान नहीं है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बता देते हैं इन दोनों दवाइयों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहली जो दवाई है ये कैप्सूल दिखा देता हूँ। सबसे पहली जो दवाई है दोस्तों वो है मल्टी विटाल कैप्सूल, जो कि मल्टी विटामिन एंड मल्टी मिनरल्स कैप्सूल है और इसमें जो है सभी प्रकार के विटामिन्स और मिनरल्स डाले गए हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। वीडियो को पॉज करके आप एक बार पढ़ भी सकते हैं। इसके एमआरपी की बात करें तो 150 रुपये के 10 कैप्सूल आपको ये मिल जाएंगे। और जो दूसरी दवा है वो भी दिखा देता हूँ। दूसरी दवा दोस्तों है साइप्रोहेप्टाडिन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट 4 mg, तो इसकी जगह पे आप प्रैक्टिन इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रैक्टिन के नाम से मिल जाएगी आपको। ये हमारे पास साइप्रोहेप्टाडिन के नाम से ही जो कि सॉल्ट होता है, ठीक है, तो ये दानिश कंपनी की है, प्रैक्टिन ले लेना आप, मर्क कंपनी की आती है, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। और अगर इस नाम से अगर आपको नहीं मिलती है तो आप इसकी जगह पे रिवाइटल भी ले सकते हैं या फिर सुप्रेक्टिव आता है कैप्सूल वो भी ले सकते हैं, उसमें ये आप मिला लेना, जो जो इसमें जो मल्टी विटामिन वगैरह डाले गए हैं वो सब हों उसमें, ठीक है। तो ये दोनों दवा का इस्तेमाल करना है आपने और जो जो मैंने अभी आपको समस्याएं बताई हैं वो बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाती है इस दवा को लेने से। तो दोस्तों इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ। इसको आपने क्या करना है कि जो ये एक टैबलेट है इसको सुबह शाम लेना है खाना खाने के बाद, और इसको दोपहर का दोपहर एक कैप्सूल, रोज़ाना एक कैप्सूल लेना है खाना खाने के बाद, ठीक है। तो ये जो दवा है इसको लेने से हल्की हल्की नींद आ सकती है, सुस्ती लग सकती है आपको, तो एक दो दिन ऐसा रहेगा आपको, उसके बाद सही हो जाएगा, ठीक है। ये सुबह शाम लेनी है, ठीक है। साइप्रोहेप्टाडिन ये आपकी भूख को बढ़ाएगा और जो भी आप खाओगे आपके शरीर को लगने लगेगा, और ये जो मल्टी विटामिन है ये हमारे शरीर में होने वाले तमाम प्रकार के कमज़ोरियों को ठीक करके आपकी सेहत बनाएगा, ठीक है। और जिन लोगों का फेस पिचका हुआ है, गाल पिचके हुए हैं, वो भी इससे सही हो जाते हैं इस दवा को लेने से। कई लोग क्या करते हैं कि इसके साथ में डेक्सोना टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं जो कि काफ़ी ख़तरनाक दवाई है वो, ठीक है। तो डेक्सोना टेबलेट नहीं लेना चाहिए, डेक्सामेथासोन उसका सॉल्ट होता है और वो एक स्टेरॉइड होता है जो कि हमारे शरीर के लिए आगे जाके घातक साबित हो सकता है, क्योंकि दोस्तों स्टेरॉइड जो होता है वो जल्दी जल्दी असर करता है और उसका नुकसान भी जल्दी होता है। कई लोग क्या करते हैं सालों खाते रहते हैं और प्रैक्टिन डेक्सोना मल्टीविटामिन वगैरह खाते रहते हैं, तो उन लोगों को बाद में पता लगता है उनके जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं अंदरूनी वो ख़राब होने लगते हैं धीरे धीरे से स्टेरॉइड से। तो स्टेरॉइड साथ में नहीं लेना चाहिए, इसीलिए मैंने ये दोनों दवा बताई हैं आपको कि आप स्टेरॉइड का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
अब इस दवा को लेना कितने दिन है वो भी मैं बता देता हूँ। आपने इस दोनों दवा को आपने 3 महीने तक रेगुलर यूज़ करना है, ठीक है। जब आपको 3 महीने के बाद आपने आपकी सेहत बन जाए, ठीक है, और आपको लगे कि अब ठीक है भाई, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है आपने अपनी सेहत को, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इन दोनों दवा को धीरे धीरे बंद कर देना है। जैसे कि आप इसे सुबह शाम लेते थे, आप इसे एक टाइम कर देना, और ये जो है एक दिन में एक खाते थे, फिर एक दो दिन छोड़ के एक खाने लगना, ऐसे धीरे धीरे करके आपने 4 महीने के अंदर अंदर ये बंद कर देनी है। 3 महीने रेगुलर यूज़ कर लेनी है, फिर 1 महीने के अंदर अंदर पूरी बंद कर देनी है। और 3 महीने भी आप जैसे इसको तो रेगुलर लेना ही होता है 3 महीने, अगर आप आपकी भूख ठीक हो गई है, भूख लगने लगी है, तो इसको आप एक टाइम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया वैसे इस्तेमाल करना, आपकी जो सेहत है वो ज़रूर बनेगी। और इन दोनों दवाइयों को इस्तेमाल करने से पहले जो आपके फैमिली डॉक्टर हैं उनकी सलाह ज़रूर ले लेना, क्योंकि हो सकता है आपकी पहले से कोई दवाइयाँ चल रही हों, ठीक है, तो उस उनके बीच में इनको इस्तेमाल नहीं करना है, पहले डॉक्टर की सलाह लेनी है फिर इस्तेमाल करना है। और जब आप मेडिकल वाले से फार्मासिस्ट से दवाइयाँ ख़रीदते हो तो उनसे भी एक बार सलाह ज़रूर ले लेना, ठीक है। तो ये जो दोनों दवाइयाँ हैं मैंने बताई हैं आपको, आपको ये वीडियो कैसा लगा है एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक करना ना भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। धन्यवाद।